नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2021 की पहली हमें प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है और ये रिक्रूटमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आपका छावनी बोर्ड आता है उसमें मिली है। और दोस्तों आपका समय खराब ना हो इसलिए बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, केवल इसमें 3 ही सीट है, 2 जनरल कैटेगरी की सीट है और 1 शेड्यूल कास्ट की सीट है। जब जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें तो कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से भी है तो वो जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की सीट है उसमें केवल एससी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों सीट्स काफी कम है लेकिन हमारे चैनल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, इसलिए इसके बारे में तो आपको बताना ही था। बाकी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर शिक्षकों से संबंधित काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएगी और उन वीडियोस में आपको ऐसी भी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जिसकी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं मिलेगी, वो जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। तो इसलिए अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी की सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट से संबंधित मैं आपको फटाफट से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो चाहे डिग्री प्राप्त कर रखी हो, यानी कि उन्होंने बीटीसी डेट जीबीटी कुछ भी कर रखा हो या फिर बीएड कर रखी हो और उन्होंने जो डिप्लोमा करा है डीएलएड करा अगर वो स्पेशल एजुकेशन में भी कराए तो भी अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। बाकी जो आपका 4 वर्षीय बीएलएड होता है वो भी अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है और जो स्पेशल डीएलएड जिन्होंने कराया या फिर बीएड की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं अगर ये पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होता है आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके 2 साल के अंदर, ठीक है। बाकी आपका इसमें सीटेट भी आपसे मांगा है, पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष रखी गई है और जो आपकी एज काउंट होगी वो 26/2/2021 तक, मतलब 26/2/2021 तक आपकी जो एज है वो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है इसलिए दोस्तों चाहे स्टेट की बात करें लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी और जो एससी एसटी कैंडिडेट उन्हें 5 वर्ष की एज में एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट के बारे में इसलिए आपको बता रहा था कि अगर आप किसी भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में उसी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब आप जनरल में भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि भाई आप उस स्टेट से बाहर के हो या फिर उस केंद्र शासित से बाहर के हो तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जैसे यूपी राजस्थान हरियाणा इत्यादि में जो आपको स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसमें किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसलिए ऐसे इसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। और इसमें भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू वगैरह इसमें है नहीं। और जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो उसका अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और मल्टीपल चॉइस वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 90 मिनट उन क्वेश्चंस को करने में आपको मिल जाएंगे और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा और इस एग्जाम में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों वही आपके 5 विषय इसमें हो गए, एक तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल अवेयरेंस हो गया और आपके कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, बाकी इससे पहले मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिया। बाकी दोस्तों इस पीआरटी वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की कुछ फीस भी रखी गई है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी से तो उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है और यदि कोई शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। तो आप इस चाहे तो इसे रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी केवीएस में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो वो अभ्यर्थी तो इसे रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर ही थे क्योंकि केवीएस में भी अगर आपकी दोस्तों जॉब लगते तो आपको आपके घर के पास का तो स्कूल मिलता नहीं है उसमें भी, या फिर आपके स्टेट में तो स्कूल मिलता नहीं उसमें भी आपको बाहर पढ़ाने जाना पड़ता है और सेम केस आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। ये रिक्रूटमेंट आपको अहमदनगर में देखने को मिली है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इधर आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपको दिख जाएगा थर्ड नंबर पे, फिलहाल थर्ड नंबर पे दिख रहा है, बाकी जब आप करें तो शायद से और कुछ इसमें अपडेट कर दिया जाए तो असिस्टेंट टीचर का आपको इधर दिख जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। तो असिस्टेंट टीचर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों इधर से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे और नोटिफिकेशन में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इधर ये देख सकते हैं और भी पोस्ट है लेकिन हमारा चैनल ही टीचिंग रिलेटेड है तो केवल इधर हम असिस्टेंट टीचर की बात कर रहे हैं।
तो इधर जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, ठीक है। तो बाकी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, इसमें आपको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। यदि आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो निश्चित रूप से आप हमारे एसकासेन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।